कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोड़िया बाजार और आर्यनगर कस्बे में कोड़िया बाजार में कुलदीप वर्मा, भगत सिंह उर्फ पागल की अगुवाई में आर्यनगर चौराहे पर अंकित शुक्ला एवं शिवम सोनी की अगुवाई में आक्रोशित युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान का पुतला फूंक कर विरोध जताया। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आतंकवादियों के खिलाफ मोदी सरकार के निर्णायक कार्यवाही की मांग की। लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस तरह का कायराना हरकत तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है सरकार इन गुनहगारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। इस अवसर पर रिंकू मिश्रा, महेश पांडे, मुना मिश्रा, अजय तिवारी, लल्ला तिवारी, अमित मिश्रा, ललित मिश्रा, अरमान खान, बच्चन शुक्ला, अजय चौधरी, कुलदीप तिवारी समेत सैकड़ों से अधिक लोग शामिल रहे। क्या उद्देश्य था, क्या कारण? इसका उद्देश्य जो हमारे पुलवामा में 50 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं उसके प्रति देश का युवा, देश का समाज, देश का हर वर्ग बहुत ज़्यादा रोष में है और प्रधानमंत्री और सीएम जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमारे शहीद ऐसे शहीद होते रहेंगे या हम अपने घरों में चुप बैठे रहेंगे। अगर हमारे शहीद शहीद होते रहेंगे तो हम घरों में चुप नहीं बैठेंगे। LOC पे जाके भगत सिंह जैसे लोग, हमारे छात्र नेता अनूप शुक्ला जैसे लोग अब रिवॉल्वर और राइफल उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रैली निकाले, क्या आप चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपया हर शहीद के परिवार को मिले। 25 लाख का मौका है, हर शहीद के परिवार को जब 1 करोड़ मिलेगा और उनके परिवार और उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जब वो चैन से वहाँ जाते हैं तो हम चैन से यहाँ घरों में सोते हैं। जो वर्क वो करते हैं उसको एहसान को हम भुला नहीं सकते। देश का बच्चा बच्चा उसको भुला नहीं सकता जो हमारे सैनिक करते हैं। मैं इनको सलाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।